If you are planning a Nepal trip this year, this video will definitely help you out with everything. वैसे तो ये trip बहुत ही difficult था plan करने के लिए because we were 9 people who are traveling with 2 kids, my parents, my mother-in-law, सबके बहुत ही diverse interests थे. Somebody wanted to visit the most famous temples. किसी को एडवेंचर चाहिए था, किसी को एवरेस्ट देखना था, किसी को डेलिशियस से खाने चाहिए थे, किसी को लक्जरी. एंड टू कंबाइन ऑल ऑफ दिस इंटरेस्ट, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. वैसे तो मैंने नेपाल को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, बट दैट कंट्री हैज समथिंग टू ऑफर फॉर एवरीवन, नो मैटर व्हाट्स योर इंटरेस्ट. विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद फ्लाइट्स. वी बुक्ड अ फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली टू काठमांडू फ्रॉम मेक माय ट्रिप. This costed us somewhere around 22,000 for 3 people and a one-way ticket. We paid half of it using our ICICI credit card points. वैसे तो हम ये पूरे tickets ही credit card points से pay कर सकते थे, but I decided to save some for my next trip. ये Nepal Airlines की flight थी, which was scheduled to fly somewhere in the morning at around 10 a.m. but this got cancelled a week before the scheduled date. I got worried. और ये बहुत ही ट्रबलसम भी था, बिकॉज दे वर नॉट रिप्लाइंग, दे वर डॉजिंग द क्वेश्चन, विल टेल यू टुमारो, विल टेल यू टुमारो, करते करते 2-3 दिन निकल गए. एंड फाइनली आई थिंक आफ्टर 4 days और 5 days, वी गॉट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम MMT सेइंग दैट इट वाज रीशेड्यूल्ड टू इवनिंग, एंड वी फ्लू समवेयर अराउंड 4:30 और 5:30 एंड रीच्ड आवर होटल समवेयर अराउंड 8:30. एसेंशियली नेपाल एयरलाइंस डिस्ट्रॉयड द एंटायर plan we had for that particular day in Kathmandu. But no matter what, I was happy that I finally reached there, because बहुत सारे cases हो चुके हैं Nepal Airlines के साथ जहाँ पे they have cancelled the flight and alternate flight आपको करवाने पड़ते हैं. And by the time they did cancel the flight, there was a Vistara flight जो मेरे मम्मी पापा ले रहे थे from Gujarat, and that was almost 16,000 rupees per person for one single for one way from Delhi to Kathmandu. तो ऑब्वियसली वो पूरा बजट इधर उधर हो जाता. थैंकफुली वी डिडंट हैव टू डू दैट बिकॉज दे फाइनली रीशेड्यूल्ड. बट इफ यू आर बुकिंग अ नेपाल एयरलाइंस फ्लाइट एंड देयर इज समथिंग लाइक अ विस्टारा व्हिच फ्लाइज क्लोज बाय एंड इज ऑलमोस्ट द सेम प्राइस, आई प्रिफर एंड आई एडवाइस दैट यू बुक विस्टारा ओवर नेपाल एयरलाइंस. वैसे तो अगर आप नेपाल एयरलाइंस से फ्लाई कर रहे हो, इट वॉज अ गुड फ्लाइट, द फूड वॉज गुड एंड एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज भी थे, बस आपको अपना हेडफोन लेके जाना होगा. So for a budget airline, it was a very good experience with Nepal Airlines. अगर आप fly करके नहीं जाना चाहते हो, there are 2 other ways that you can reach Nepal. One is via train, train and flight actually. तो आप क्या कर सकते हो, दिल्ली से गोरखपुर के लिए you can take a train, and from गोरखपुर you can take a cab to the Bhairava airport. तो आपको सनौली border cross करना होगा and they can drop you to the Bhairava airport, जहाँ से आप fly करके पोखरा जा सकते हो. That is the fastest way that I realized you could reach Pokhara, and I'm pretty sure that I'm going to do that the next time. आप अपनी कार लेके भी जा सकते हो, so you basically have to cross Sonauli border, like I said. वहाँ पे आपको अपना आधार या अपना पासपोर्ट दिखाना होगा. They will note down the number of your vehicle, and then you can pass the border. क्योंकि वापस आते हुए नेपाल से हम लोगों ने Sonauli border cross करके गोरखपुर आके train लिया था for Delhi. So a good way to reach Nepal as well. आप एक बार काठमांडू airport पहुँच जाओगे, तो वहां से यू कैन टेक द एयरपोर्ट कैब, व्हिच इज द फास्टेस्ट वे टू गेट टू योर होटल. ऑलरेडी इट वाज लेट इन द नाइट, तो हम लोगों ने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज वी ऑल्सो हैड अ मदर इन लॉ विद अस एंड वो बहुत ही टायर्ड हो गए थे. सो वी फाइनली डिसाइडेड दैट हम लोग एयरपोर्ट कैब लेके जाएंगे, एंड दे टुक समवेयर अराउंड 500 और 600 INR टू ड्रॉप अस टू आवर होटल, एंड दे एक्सेप्टेड INR करेंसी. तो हम लोगों ने उनको 100 के नोट्स में पे करा था. The next up is SIM card. आप SIM card airport से भी खरीद सकते हो और city से भी खरीद सकते हो. Either which ways, it won't make a lot of difference. If you are going to take a SIM from the airport, it will cost you somewhere around 1200 MTR for 88 GB internet and a 28 days validity. And अगर आप 7 days के लिए हैं और आपको 15 GB इंटरनेट चाहिए, दैट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 500 MTR. तो आपको ये दोनों प्लान्स एयरपोर्ट पे ही मिल जाएंगे, एंड ऑल यू हैव टू सबमिट इज योर पासपोर्ट एंड योर फोटो, एंड दे विल गिव यू एन एक्टिवेटेड सिम. हम लोगों ने स्किप कर दिया था ये,
and we went to the Tamil market to we finally bought a SIM card for 600 NTR, which was valid for 28 days with a 40 minutes talk time and a 20 GB internet, which was enough and more for us for 7 to 8 days trip in Nepal. तो हम लोगों ने ये तमिल मार्केट में एक एनसेल का ऑथराइज सेलर था वहीं जाके ले लिया था. तो आई एडवाइस कि अगर आपको जल्दी नहीं है एंड यू कैन स्पेंड अ डे विदाउट योर फोन एंड इंटरनेट देन यू कैन बाय इट फ्रॉम द मार्केट. इट्स एक्सट्रीमली ईजी. अगर आप बाहर से बाय करोगे फोटोज एक्चुअली मैंडेटरी नहीं है. ऑल दे नीड इज वन ऑफ योर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ दैट इज योर पासपोर्ट और योर आधार कार्ड एंड दे विल टेक योर फोटो that is in their mobile. They'll take a photo and a photo of each of your thumbs. Bas itna hi chahiye tha usko and they gave us a SIM. The next is currency. We took 100 rupees notes from India kyunki hum logo ko bola gaya tha that Nepal mein 100 rupees ke notes chalte hain. But don't take it on the face value. There are a lot of people who will deny accepting it. Aur agar wo deny nahi bhi karte hain, you will not get the best conversion rates for it. They will not give you a 1.6 conversion rate. They will give you a 1.4 or a 1.5 conversion rate for accepting 100 rupee bills. So it's not the best way to do it. What you can do is to go to any authorized currency exchange and get it done. वैसे तो मैंने बहुत currency exchanges पे पूछा था and most of them don't convert INR into NPR. But I finally found one in Tamil market which was doing it at a current conversion rate of 1.55, which was the highest that I found. So you can see it on the video, and this is the shop where I went, and gave me a good deal. So you can go here if you are in Tamil market nearby. I saw a lot of videos where people claim that they got 1.6 conversion rate. I'm not sure where they got it because pure Tamil market mein aur pure a lot of other areas also in Kathmandu, I couldn't find anybody giving a conversion rate of over 1.55. On the contrary, jab hum log पोखरा गए थे, it was much more lenient. मैंने शॉपिंग किए थे and they accepted a 500 rupee note as well and I paid for keychains that I bought in INR as well. I think 200 rupees का भी note मैंने दिया था उनको when they accepted it. पोखरा seemed to be a lot more lenient in terms of accepting currency. But in any case, you can always use your debit cards and withdraw cash. That was an effective rate of 1.55 as well. The next is visa. अगर आप Indian passport holder हो, you do not need a visa for Nepal. आप अगर immigration से जाओगे और airport से जा रहे हो, तो आपको बस अपना passport दिखाना होगा, where it will get stamped and it will get stamped on the way out. क्योंकि हम लोग यहाँ से airport से गए थे, तो हमारे passport पे stamp हुआ था और Sonali border पे फिर से हमारे पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैम्प्स हुए थे. सो ईदर विच वेज विच एवर रूट यू पिक अप, यू विल नीड ईदर योर वोटर्स आईडी विच इज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और योर पासपोर्ट. द नेक्स्ट इज लोकल ट्रांसपोर्टेशन एंड टैक्सीज. बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल है, चाहे वो काठमांडू हो या पोखरा हो. इट इज एज चीप एज यू विल गेट इट इन इंडिया. तो आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है. इफ यू वॉन्ट इट टू बी एक्सट्रीमली कन्वीनियंट, आप एक ऐप आता है वहां पे पथाओ करके, उसको डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन ऑर्डर योर कैब्स फ्रॉम देयर. अगर आप सिंगल हो या फिर कपल हो या टू या थ्री लोग हो, पथाओ ऐप इज अ ग्रेट ऐप जहाँ से आप कैब्स बुला सकते हो. बट ईदर विच वेज, अगर आप रोड पे जाके खड़े हो कुछ देर तक, यू विल फाइंड कैब्स इन काठमांडू एंड इन पोखरा एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी रीजनेबली प्राइस्ड. बिकॉज़ वी वर 9 पीपल एंड वी आल्सो हैड किड्स एंड वी हैड टू कैरी स्टफ. हम लोगों ने दो दिन पूरी दिन की टैक्सी की थी, विच वॉज अ ह्यूज कार. इट वॉज लाइक अ ट्रैवलर विच कॉस्टेड अस समवेयर अराउंड 17,000 NPR वन डे फॉर एन एंटायर डे. वो हमको पूरा काठमांडू घुमाए थे एंड एक दिन हम लोगों ने पोखरा में लिया था, विच वॉज फॉर हाफ अ डे. दैट वॉज समवेयर अराउंड 8,000 to 10,000 NPR. सो दैट्स ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन. और ये हम लोगों ने होटल से ही बुकिंग करवा दी थी. We just got these cabs from our hotels because it was the easiest way out. और हम लोगों को बहुत hassle नहीं चाहिए था because we had kids along with us. So we did that. But आप बाहर travel agency से भी बात कर सकते हो for a better deal. The next up is local flights. Now Kathmandu से पोखरा जाने के लिए, पोखरा से Kathmandu और पोखरा से अगर आप चितवन जा रहे हो या फिर बुधवाल जा रहे हो for Lumbini,
आप कहीं भी जा रहे हो यू कैन बुक योर फ्लाइट टिकट्स फ्रॉम देयर लोकल एयरलाइंस वेबसाइट लाइक यति एयरलाइंस और बुधा एयरलाइंस. हम लोगों ने यही दो एयरलाइंस यूज की थी. बट देयर इज अ कैवियट, आप जब भी ये बुक करा रहे हो आप बहुत रिलाई नहीं कर सकते इनके टाइम पे, बिकॉज देयर वाज नॉट वंस दैट दे फ्लू ऑन टाइम. ये एक घंटा, दो घंटा, समटाइम्स थ्री एंड हाफ आवर्स भी डिले हो जाती हैं. सो प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली and please do not depend on them for your absolute exit flights at the end, because wo definitely mess up ho jayega inke time ke sath. But agar aapko fly nahi karna hai, you can also take buses which are available. To normal buses bhi jati hain Kathmandu se Pokhara, aur ek luxury bus bhi jati hai Kathmandu se Pokhara which seems very comfortable, which is somewhere around 1200 to 1500 bucks and takes around 12 hours. That's an overnight journey. कभी कभी 18 आवर्स भी लग जाते हैं when the roads are bad and right now the conditions of road is bad. Either which ways, what I realized were two things. आप एक तो 12 घंटे spend कर रहे हो in a bus, plus you will end up eating. Obviously आप lunch करोगे, dinner करोगे, चाय पियोगे, refreshments करोगे. Ultimately you will end up spending something like 2000 rupees. And ये जो flight tickets हैं यति airline की हो या बुधा airline की, you can grab them at somewhere around 2200 to 2600 bucks, and I think it's totally worth it. Now the best time to go to Nepal is October, November, December. Agar aapko thodi winters mein jana hai, snow dekhni hai, that would be January and February. But from April onwards, I recommend you don't go, because wahan pe ek mausam change ho raha hota hai and it becomes windy aur aandhi tufaan wala mausam hai ye. So, हम लोग जब पोखरा में थे, we could not see the beautiful ranges of Pokhara because बहुत ही cloudy हो गया था और dusty भी था और हर शाम को वहाँ पे इतनी आंधी चल रही थी that we could not even boat. तो locals ने हम लोगों को कहा था कि that April is the time जहाँ पे weather change होता है, this is like the worst time to be in Pokhara. If you want to sight, if you want to go for sightseeing or just enjoy how beautiful those ranges look, the Mount Fishtail looks from everywhere, jo humko dikhai hi nahi diya, which is very unfortunate. So I recommend that you go to Nepal somewhere in October, November, December, January. Or the next step is credit card and debit card. When I was paying for my hotel in Kathmandu, I came across this Indian fellow jinka card chal hi nahi raha tha wahan pe, because at the back of the card it was written that these cards will not be valid in Nepal and Bhutan. तो अगर आपके कार्ड पे लिखा हुआ है, go check it out and get a card which will work in Nepal, because this is extremely important in case of any emergency. Entry fees for any monument, चाहे वो दरबार स्क्वायर हो या कोई टेंपल हो, it's not more than 500 rupees. So 100 rupees से लेके 500 rupees तक is the maximum that you will pay for one monument. So approximately 1500 to 2000 rupees hi aayega aapke pure trip mein for entry fees, aap jahan bhi chale jao. Now there are adventure activities, bahut sare adventure activities hote hain Nepal mein. As you know, the first of them is trekking. Bahut sare trekking trekking options hai, chahe wo chota trek ho ya bada trek ho, chahe wo Everest base camp ho, Annapurna ho, bahut sare trekking hai. To agar aap if you like to trek, Nepal is like a heaven for it. लेकिन आप एक बात याद रखना, दैट इन नेपाल यू कैन नॉट ट्रैक अलोन, आप अकेले नहीं जा सकते हो. ओनली विलेजर्स एंड द लोकल पीपल आर अलाउड टू डू दैट. सो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, यू नीड टू हायर अ लोकल गाइड या फिर तो किसी लोकल कंपनी के साथ आपको जाना होगा. तो ये रिसर्च आप पहले से कर लो. वी डिड नॉट डू एनी ट्रैकिंग बिकॉज वी वर विद किड्स एंड आवर ओल्डर पेरेंट्स, तो ये पॉसिबल नहीं था. But we did do two adventure activities, which was we did an Everest mountain flight in Kathmandu with Buddha Air. So मैंने पहले ही Buddha Air के website से mountain flights book करवा लिए थे, which is approximately one and a half hours flight, and you will see the entire range, Himalayan range, और आप Everest और Kanchenjunga भी sight करोगे, and it's a very beautiful thing. This costed us somewhere around 8,600 INR per person. So आज day 3 है and हम लोग तैयार हो गए हैं Everest mountain flight के लिए. We are very excited to see the entire Everest range.
And in Pokhara, we did hot air balloon ride, which costed us somewhere around INR 8,300 per person. And ये हम लोगों ने balloon Nepal के साथ किया था. So we paid them in Nepal itself. For many who WhatsApp it, conversation करके पूरा book कर दिया था. So that's what you can do as well. तो यही दो एडवेंचर एक्टिविटीज हम लोगों ने की थी. आप ट्रैकिंग कर सकते हो, पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, बहुत सारी एडवेंचर, बंजी जंपिंग भी है पोखरा में. सो यू कैन कीप वन डे फॉर योर एडवेंचर एक्टिविटीज इन पोखरा अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो. So when it comes to food, it's a foodie paradise. चाहे आप vegetarian हो, non-vegetarian हो, chain हो, आपको हर type का खाना यहाँ पे मिलेगा. So you will find a lot of vegetarian options. Kathmandu में we went to Kathmandu Grill और एक Annapurna करके restaurant था, which was a Jain restaurant in Thamel Market. Because my family is a vegetarian, तो हम लोग vegetarian restaurants बहुत गए थे इस बार इस trip पे. तो हम लोग इस बार we went to a lot of vegetarian restaurants because my parents are vegetarian, and we realized that there are a lot of them as well. So Kathmandu mein ye dono acche restaurants the jahan pe mujhe acha bhi laga khana. And Pokhara mein there was one called Rajwadi, and there was one called Rajwadi which was good. Aap wahan pe jaake khana kha sakte. You will also find South Indian cuisine there. So that's about it. Lekin Pokhara mein bahut aur options bhi hain for vegetarians. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, देयर इज हेल लॉट ऑफ ऑप्शंस इन काठमांडू एंड इन पोखरा एज वेल. एंड अगर आपको लोकल ट्राई करना है, दैट इज थकानी खाना और निवारी खाना, वो भी आपको बहुत ही इजीली हर जगह मिल जाएगा. यू कैन एक्सपेक्ट टू स्पेंड समवेयर अराउंड 1000 और 2000 रुपीस पर डे ऑन योर मील्स, डिपेंडिंग ऑन आप कितना खाते हो और आप क्या खाते हो. बट अगर आप लोकली बना हुआ खा रहे हो और कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं जा रहे हो, दिस इज मोर देन इनफ मनी यू विल स्पेंड ऑन योर फूड. Right till the end, we didn't know we loved. It's not easy living when my fingers crossed. You ran away from all the madness. You stumbled till you found your pace. I know now you were better off without me. Last but not the least is casino. हम लोग काठमांडु में भी गए थे और पोखरा में भी गए थे. काठमांडु में we went to Bally's casino, which is a comparatively newer casino, क्योंकि casino महाजॉब के reviews देख के और वो बाहर से कैसा दिख रहा था वो देख के, and what our hotel guy told us about the casino, we decided it's not a very family friendly thing. तो हम लोग Bally's चले गए थे, and it was a good experience. वही है, मिनिमम इज अबाउट 1500 टू 2000 एनपीआर दैट यू हैव टू पे एंड यू विल गेट चिप्स इन रिटर्न ऑफ दैट. सेम चीज हैपेंड, यही चीज हुई थी पोखरा में भी व्हेन वी वेंट टू द ताज कैसीनो. वहां पे आपको एंट्री फी अराउंड 1500 टू 2000 रुपीस देना होता है पर पर्सन एनपीआर, एंड देन यू कैन एंटर विद योर चिप्स जो भी वो लोग देते हैं. एंड देयर आर सर्टेन रूल्स दैट यू मस्ट ऑलरेडी नो, आई थिंक अगर आप कैसीनो गए हो तो. हम लोगों ने अराउंड 30,000 NPR के साथ स्टार्ट किया था खेलना इन पोखरा, एंड वी फाइनली वर एबल टू गेट बैक विद 60,000 NPR दैट नाइट. एंड उन लोगों ने हमको
एक अच्छी सी गाड़ी थी, दैट वाज इट वाज एमजी एस्टर. They dropped us back to the hotel as well. So it was a very good experience with Taj Casino, and I would definitely recommend कि अगर आप पोखरा में हो और आप कैसीनो में interested हो तो आप वहाँ जा सकते हो. Family friendly भी है वो. Is the total cost of this trip approximately, अब flights देखोगे तो 10-15,000 में आ जाएगी. Visa is obviously zero. Then there is accommodation. हम लोग तीन hotels में रहे थे. One was in Kathmandu, that was Hotel Manang, which would costed us somewhere around 3,500 a night. हम लोग सारंगपुर में एक दिन रहे थे. दैट वॉज अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव होटल बिकॉज वो काफ़ी लग्जरियस होटल ही था. दैट वॉज अराउंड 8,300 रुपीज पर नाइट. एंड द थर्ड वन वॉज वाटर फ्रंट रिजॉर्ट विच इज राइट नेक्स्ट टू फेवा लेक, एंड दैट वॉज ऑल्सो अ स्लाइटली एक्सपेंसिव रिजॉर्ट. वो 6,200 रुपीज पर नाइट था. ये लग्जरी रिजॉर्ट्स ही थे नेपाल में, एंड दैट इज वाई इट इज एक्सपेंसिव. बट इफ यू लुकिंग फॉर अफोर्डेबल ऑप्शन, आप बहुत सारे ऑप्शन फाइंड कर सकते हो ऑन booking.com. Activities will somewhere be around 20,000 rupees to 30,000 rupees depending on आप क्या क्या करते हो and कितने लंबे period के लिए आप जा रहे हो. उसको what all activities can you possibly include in your itinerary. SIM card will be somewhere around 300 to 500 rupees like I already said. Entry fee is another 2,000 rupees and food is another 1,000 to 2,000 rupees per day. So let's say that 10,000 rupees. लेकिन इन सब का addition हम समवेयर अराउंड 60,000 रुपीज. तो अगर आप 5 to 6 डेज के लिए जा रहे हो, दिस इज अ गुड एस्टिमेट ऑफ व्हाट यू विल बी स्पेंडिंग इन नेपाल. एंड दिस इज अ गुड एस्टिमेट ऑफ व्हाट यू विल स्पेंड इन नेपाल, एंड इट विल नॉट बी अ स्टिंजी ट्रिप. आप काफी लग्जरियसली इस बजट में नेपाल कर सकते हैं. सो फाइनली लेट्स गो टू द आइटिनरी सेक्शन. आप क्या कर सकते हो. सो हम लोग 3 डेज काठमांडू में थे और 3 डेज पोखरा में थे. फर्स्ट डे ऑब्वियसली लाइक आई सेड नेपाल एयरलाइंस की वजह से पूरा बर्बाद हो गया था. वी कुड नॉट डू एनीथिंग. हम लोग 8:30 बजे पहुंचे ही थे. दैट डे वी जस्ट वॉक्ड अराउंड द थामिल मार्केट क्योंकि हमारा जो होटल था दैट इज होटल मनाम वॉज राइट इन द मार्केट. नेक्स्ट डे हम लोग गए थे पशुपतिनाथ टेम्पल विच इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल थिंग टू विजिट. और उसके बाद हम लोग गए थे पाटान दरबार स्क्वायर एंड वी केम बैक. बट दैट डे यू कैन ऑल्सो इंक्लूड स्वयंभू टेम्पल. The next day, you can include Bodhanath Stupa. आप फिर वहां से भक्तापुर दरबार स्क्वायर जा सकते हो. वहां से नागरकोट का सनसेट देख के आप वापस आ सकते हो. That's how we did it. We skipped on काठमांडू दरबार स्क्वायर क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पठान दरबार स्क्वायर और भक्तापुर कर रहे थे. बोथ ऑफ देम आर वे बिगर देन द काठमांडू दरबार स्क्वायर. Then we flew to Pokhara. Pokhara से हम लोग directly Sarangpur चले गए थे to our hotel जहाँ पे हम लोगों ने एक दिन spend किया था. Now Sarangpur is one of the very famous places जहाँ से आपको sunset और sunrise दोनों दिखेगा. And this was an amazing place that we stayed. That is Himalayan Resort, Himalayan Hotel Himalayan Front. तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत मजा आया. We were relaxed. हम लोगों ने spa भी करवाया. बहुत amazing खाना भी खाया. Pool में भी गए. The room views are amazing and to die for. And in fact, sky lounge है जहाँ से आप sunset और sunrise दोनों देख सकते हो. And it is one of the most prettiest thing that I have seen. तो ये hotel तो definitely recommended list में है मेरे. So we spent one day in Sarangpur and relaxed that day. उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे. From Sarangpur we went to the Fewa Lake. And Fewa Lake पे ही KGH का ही एक और प्रॉपर्टी है. दैट इज द वाटरफ्रंट प्रॉपर्टी नियर द फेवा लेक. हम लोगों ने वहाँ पे चेक इन किया था. वहाँ से द फर्स्ट डे वी कुड नॉट डू एनीथिंग क्योंकि आते आते 1 PM 2 PM हो गया था. एंड देन फिर वही विंड्स चालू हो गई तो बोटिंग नहीं हो पाया उससे. सो वी वेंट टू फेवा लेक. हम लोग वहाँ पे घूमे, इधर उधर सब कुछ शॉपिंग वॉपिंग किया हम लोगों ने. एंड वी वेंट टू ताल बराही लेक. वहाँ पे होता है हर शाम को आरती. तो हम लोगों ने वो देखी एंड वी केम बैक होम. उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह हम लोगों को बहुत जल्दी जगना था अराउंड 4 AM क्योंकि हम लोगों को करनी थी हॉट एयर बलून राइड. हम लोगों ने पहले वो की. उसके बाद हम लोगों ने टैक्सी बुक करके वी वेंट टू कोमित फोर्ट शिवा स्टैचू. उसके बाद हम लोग गए वर्ल्ड पीस पगोडा. वी वेंट टू गुप्तेश्वर केव्स, देवीज वाटरफॉल एंड देन वी केम बैक टू द होटल. जिसके बाद अमित एंड आई वेंट अलोन टू द कैसीनो. तो यही हमारा बेसिक आइटिनरी था जो आप भी फॉलो कर सकते हो. एंड दीज आर ब्यूटीफुल प्लेसेस.
A world peace pagoda is definitely not for everyone क्योंकि वो थोड़ा सा difficult hike है and I personally did not feel it was worth it. So please do check it out एक बार कि आपको जाना है कि नहीं जाना है. Just don't blindly go there. So that's about it on how you can plan your Nepal trip from India. अगर आपको कोई भी questions हैं about this trip or if you need any help with planning your trip, you can comment below and let me know and I would love to help you out. Thank you.